नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे से YouTube चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप 2022 में रबी फसल के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में फॉर्म फिलअप किया था तो दोस्तों आपका जो है कब तक वेरिफिकेशन होगा और कब तक आपको पेमेंट आएगा, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना में जो है किस प्रकार से इसका वेरिफिकेशन होने वाला है, कब तक ये पेमेंट आएगा, सारा दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और दोस्तों इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना में जो अगर आपने रबी फसल के लिए फॉर्म फिलअप किया था तो किस प्रकार से इसका वेरिफिकेशन होने वाला है और कब तक ये पैसा आने की आशंका है, मतलब कब तक ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगी, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभाग को जुलाई तक मिलेगी जाँच रिपोर्ट, 2 लाख किसानों को रबी फसल क्षति सहायता राशि सितंबर से। तो यहाँ पे जो है विभाग को जो है इसका रिपोर्ट जुलाई तक मिल जाएगी और ये जो है आपको 2 लाख किसानों को यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है सितंबर तक, यानी कि आपको सितंबर तक रबी फसल का पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बता देख सकते हैं कि यहाँ पे रबी 2022 में फसल नुकसान के लिए फसल सहायता योजना के सभी योग्य किसानों को सितंबर से खाते में जाने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सितंबर तक जो है आपका पैसा जाना शुरू हो जाएगा, मतलब कि मिल जाएगा। फसल क्षति के लिए विभिन्न जिलों में 12,94,000 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, इसमें कितने किसानों को सहायता राशि भेजी जाएगी इससे संबंधित सहकारिता विभाग को जुलाई तक मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे जो है 12,94,000 किसानों को जो है 12,94,000 किसानों ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया था ऑनलाइन फॉर्म रबी फसल के लिए, जिसमें कि जो है किसानों को कितने किसान को जो सहकारिता विभाग की तरफ से राशि भेजी जाएगी इसका जो रिपोर्ट है जुलाई तक मिलेगा सहकारिता विभाग को, तब जो है वो आगे रिपोर्ट फॉरवर्ड करके पेमेंट सितंबर तक जो है भेजेंगे। तो रिपोर्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा और इसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा तो वो बात कर लेते हैं। वेरिफिकेशन होगा जो दोस्तों किस प्रकार से होगा, वेरिफिकेशन हो करने के लिए आपके पास सलाहकार आएंगे, सलाहकार आने के बाद वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और वही रिपोर्ट बना करके आगे फॉरवर्ड करेंगे सहकारिता विभाग। उसके बाद जो है कितने किसानों को भेजना है वो सहकारिता विभाग सोचेगी, उस पर विचार करेगी कि हाँ इतने किसानों को जो है पेमेंट भेजना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास सलाहकार ही आएंगे और किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा तो उसका कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि यहाँ पे इतने किसानों का जो है वेरिफिकेशन होगा, इस जिले में वेरिफिकेशन होगा या फिर इस पंचायत में वेरिफिकेशन होगा, उसका कोई यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं है। आपका कहीं भी वेरिफिकेशन हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी विलेज, कोई भी पंचायत का वेरिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे कोई वैसा लिस्ट जारी नहीं किया कि यही इसी का जो है आप यही ब्लॉक या यही पंचायत का वेरिफिकेशन कीजिए, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। आपका वेरिफिकेशन जो है किस पंचायत का होगा वो कोई यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं है, लेकिन आपका जिसका भी वेरिफिकेशन होना होगा वो आकर के सलाहकार आकर के कर लेंगे और उनका रिपोर्ट जो है आगे सहकारिता विभाग को मिल जाएगा। उसके बाद जो है पेमेंट आपको सितंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा, आपको सितंबर में जो है पेमेंट मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस यही अपडेट देना चाहता था कि अगर आपने बिहार राज्य फसल सहायता योजना का फॉर्म फिलअप किया था तो आपको जो है सितंबर तक पेमेंट मिल जाएगा और इसका वेरिफिकेशन जो है जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जुलाई तक जो है रिपोर्ट भी भेजना है सहकारिता विभाग को। लगभग जो है सभी के पास आएंगे किसान सलाहकार और उनका जो है वेरिफिकेशन करके जाएंगे। उसके बाद जो है सहकारिता विभाग सोचेगा किन किसानों को जो पेमेंट देना है और किन किसानों को नहीं देना है। किन किसानों का वहाँ पर एक लिस्ट जारी रहता है जो कि लिस्ट पब्लिश नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ पे रहता है कि हाँ इस जिले या इस पंचायत को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बाढ़ का पानी आता है या कुछ भी आता है, यहाँ पे फसल नुकसान हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है जिस जिले का, वहाँ पे रिपोर्ट होगा कि इस जिले में इस पंचायत में नुकसान हुआ है, तो बस वहीं जो है पेमेंट मिलने वाला है। वेरिफिकेशन तो सबका होगा लेकिन पेमेंट वहीं मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आपको वेरिफिकेशन होने वाला है और पेमेंट
मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि उनका भी जो है अगर उन्होंने भी फसल सहायता योजना का जो है अगर फॉर्म फिलअप किया था तो उनको भी जल्द ही जो है उसका वेरिफिकेशन होगा और उनको भी पेमेंट मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।